अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 51 साल बीत चुके हैं और आज हम इस जोड़े की शादी का दिलचस्प किस्सा आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं कि आखिर क्यों अमिताभ और जया को सीक्रेट शादी करनी पड़ी, क्यों इस शादी को करवाने से पंडित जी ने इनकार कर दिया था। बताएंगे आपको ये दिलचस्प किस्सा। शुरुआत करते हैं 1973 से। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 1973 में फिल्म जंजीर रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की और अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। जया बच्चन पहले से एस्टेब्लिश एक्ट्रेस के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी थी। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी जंजीर जो हिट हुई थी, हालांकि साथ हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन हिट फिल्म जंजीर रही। ऐसे में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी जो कि लंदन जाने वाले थे एक साथ, परिवार वालों ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों लंदन जाना चाहते हैं तो आप दोनों को शादी करनी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन ने निर्णय ले लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम शादी करके ही जाएंगे। आनन फानन में जया बच्चन के पेरेंट्स को मुंबई बुलाया गया एक दिन पहले और फिर 3 जून 1973 को मुंबई के मालाबार हिल में दोस्तों के एक फ्लैट में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की सीक्रेट शादी करवाई गई। हालांकि इस शादी के दौरान पंडित जी काफी नाराज हो गए थे क्योंकि बड़ी मालूमात करके एक बंगाली पंडित का इंतजाम करवाया गया था जो कि बंगाली रीति रिवाज से ये शादी करवाएगा। जब बंगाली पंडित को पता चला कि लड़की तो ब्राह्मण है और लड़का नॉन ब्राह्मण है तो पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करवाऊंगा। दोनों तरफ के पेरेंट्स मान मनोवल में जुड़ गए। काफी समय के बाद पंडित जी किसी तरह माने और ये शादी करवाई गई। हालांकि कहा जाता है कि जया बच्चन के इस फैसले से, शादी के फैसले से, जया बच्चन का परिवार खुश नहीं था, नाराज था, क्योंकि उस वक्त तक जया बच्चन, जैसा कि हमने आपको कहा, कि एक एस्टेब्लिश एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी थी, जबकि अमिताभ बच्चन जो थे उस वक्त उतना बड़ा नाम नहीं बने थे। लेकिन एक इंटरव्यू में जया बच्चन के पिता जो कि जर्नलिस्ट भी रह चुके थे, तरुण कुमार भादुड़ी, उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे जितने भी बच्चे हैं उन्होंने इसी तरह से शादी की है, प्रेम विवाह किया है, हमें किसी की शादी पर कोई एतराज नहीं। उन्होंने इतना कहा कि इवन उनके पिता जो कि कट्टर ब्राह्मण थे वो भी इस शादी पर रजामंद थे। उन्होंने खुद मुझे कहा कि करने दो इनको शादी, इनकी जिंदगी है, इन्हें साथ रहना है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे संपन्न हुई जया और अमिताभ बच्चन की शादी। सीक्रेट शादी थी, बहुत सीक्रेट रखी गई थी। हालांकि जब लंदन से आए तो एक फंक्शन रखा गया जिसके बाद खुलासा हुआ कि ये दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अमिताभ और जया बच्चन की जोड़ी कैसी लगती है।